बेसिकली मेरा एक रोमांटिक एंगल है मूवी में, मैं एक बहुत अमीर बाप की बिगड़ी बेटी हूँ kind of, और लेकिन अच्छी बेटी हूँ. बेसिकली मेरा बस वही रोमांटिक सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग्स, पार्ट ऑफ म्यूजिक एंड दैट्स लाइक अ टिपिकल कमर्शियल बॉलीवुड हीरो. हाँ, मेरा एक बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग है मूवी के अंदर और एक ये बोल वाला गाने में मैं हूँ, और मेरा जो सैड सॉन्ग है दैट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग. पूरी फिल्म में बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर स्टोरी है. मैं मेरे पिताजी के साथ बहुत अटैच्ड हूँ और ये पिताजी के साथ इतने अटैच्ड हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ पता चल रहा है कि उसके दौरान मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ग्लैमर बनी और क्यों मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई. इस फिल्म में बहुत कुछ है जो रक्तबीज टाइटल बेसिकली आई हैव टेकन फ्रॉम मैथोलॉजी, और रक्तबीज से मैंने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान कम्प्लीटली बुरा या अच्छा नहीं होता है. बेस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो I'll say direction, then camera, then performance by artists, music, and editing, everything else. So, ये एक-एक करके, and story भी काफी आपको दिलचस्प लगेगी. इसमें मेरे दो किरदार हैं, एक का नाम अजय है और एक का नाम अभय है. तो अभय एक डकैत है और अजय एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है. तो डकैत की ज़िंदगी में भी कंपटीशन होता है, उसको भी सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है कि फलाने डकैत के पास कितने पकड़ हैं, इसके पास इतने पकड़ हैं, तो हमारे पास कितने हैं, हमारा नाम कहीं नीचे ना हो जाए. एक कंपटीशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. और जो अजय है, जो CEO है एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उसके पास भी कॉम्पिटिशन है कि उसकी कंपनी कहीं पीछे ना रह जाए.